हे वेक्टर गैंग, व्हाट्सअप। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है यार। आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं बताने जा रहा हूँ पबजी मोबाइल का ऑफिशियल अपडेट कब आ रहा है। और एक्चुअली रोल हो चुका है, आने लगा है नॉर्मली दूसरे फोन्स में। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कैसा, जो आपने मेंटेनेंस नोटिस देखा तो उसका अच्छी तरह से ब्रीफली मैं नोटिस सब अच्छे से बताता हूँ। तो यार जैसे कि 00000000 to 80000 UTC जो पूरा यूनिवर्सल टाइम होता है, और जुलाई 18 को है मेंटेनेंस जो कि आज है। और उसमें क्या खास चीज़ मिलने जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बीटा वाले वीडियो में दिखाया था, बीटा वर्जन वाले, और बीटा वाला वर्जन बहुत ही लैगी था और बग्स वाले थे। तो अब तो सब ठीक हो गया होगा। बीटा वाला वर्जन वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, और देखते हैं इस नए ऑफिशियल अपडेट में क्या आता है। तो पहले तो हम न्यू क्या न्यू है वो मैं बता दूँ, एक ही चीज़ न्यू है, वो है फर्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्टिव। तो जैसे कि मैंने चाइना वाले वर्जन में वीडियो बनाया था FPP, तो ये अब इंग्लिश में भी आ चुके हैं। जो चाइना वाले नहीं खेल पाते हैं, जैसे कि नॉर्मली चाइना वाला ऐप उसके पास नहीं होगा पबजी, तो आप अभी इंग्लिश वाले में खेल सकते हैं जो कि 0.6.0 अपडेट में आ रहा है। तो ये एक्चुअली अपडेट जो है बिटवीन 18 को 5 बजे के पास, 5:30 बजे तक ये मेंटेनेंस ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक मेंटेनेंस ख़त्म हो चुका होगा। तो हाँ, इसके अब उसके बाद क्या है कि ये नहीं कि डायरेक्ट प्ले स्टोर पे आपको अपडेट मिलेगा या फिर इन गेम अपडेट मिलेगा, पर ये धीरे धीरे पर्टिकुलर फ़ोन में जाएगा ताकि इससे बग कम हो जाए और इससे जो मतलब जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो घटे। तो वो यूज़ किया गया, मतलब उस तरीके से टेंसेंट ने इस अपडेट को दिया, तो धीरे धीरे सारे फ़ोन्स में आएंगे। और सैमसंग में अभी तक आ चुका है, तो आप जाइए अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो अपडेट करिए। तो इसमें क्या क्या नया चीज़ें मैं बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्टिव आ चुका है, और रॉयल पास सीज़न 1, ये क्या है मुझे नहीं पता, अभी तक बताया नहीं अच्छे से, तो देखते हैं जब आता है। मिनी जोन आ चुका है, जो आर्केड मोड में होगा वो मिनी जोन ही होगा, मतलब जैसे कि 16x16 का एक हमारा मैप होता है, अब वो हो जाएगा 4x4 का, तो छोटा सा मैप होगा बट ठीक है, आप खेल सकते हैं। उसके बाद वेपन एंड एरोप्लेन फिनिशेस, ये भी नहीं पता क्या है, जब गेम आएगा इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा पूरी तरह से डिटेल गेम प्ले के साथ अच्छे से आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। उसके बाद व्यू वेपन इन आर्मरी, जैसे कि आप चाइनीज़ में देख सकते हैं कि पर्टिकुलर वेपन का जो आप अच्छे से ऊपर नीचे सारा का सारा देख सकते हैं, हर वेपन की डिटेल आप जान सकते हैं, और किस वेपन में क्या लगता है, किस वेपन में 5.56 या फिर 7.62 या फिर कौन कौन से अटैचमेंट लगते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बीटा में दिखाया था। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीटा वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। उसके बाद आपको मिलेगा पिस्टॉल का UI, अपना पिस्टॉल का अपना अब नया अलग से UI होगा, यूज़र इंटरफेस। उसके बाद मैलेट वेपन कैन डिस्ट्रॉय टायर्स, मतलब मैलेट वेपन जो होते हैं जैसे कि पैन या फिर हुक टाइप का जो नहीं होता, वो सब वेपन अब उन सब वेपन से आप टायर, जैसे कि गाड़ी के टायर को भी ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इस ये ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, पर हाँ उन सब वेपन अब मतलब पैन को यूज़ करके भी गाड़ी के टायर उड़ा सकते हैं, ये PC में भी है, अब यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अब अगला है कि इंडिविजुअल टीममेट्स कैन बी म्यूटेड, मतलब पर किसी एक टीममेट को आप म्यूट कर सकते हैं, या फिर चाहे ऐसे नॉर्मली क्या होता था कि सबको म्यूट कर सकते थे, अब ऐसे नहीं कि किसी एक को म्यूट रखा और सारे के साथ दूसरों के साथ बात करो, अब किसी एक पर्सन को आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जिसके साथ आपको बात नहीं करना उसके साथ उसको या फिर म्यूट कर सकते हैं। पोस्ट मैच रिजल्ट स्क्रीन, मतलब पोस्ट मैच मतलब पुराने जितने भी आपने मैच खेले थे उन सब के रिजल्ट जो हैं वो आपको स्क्रीन में या फिर एक्टिव लॉग में कहीं पे दिखाएगा, जिस चीज़ को मैंने बीटा में भी नहीं देखा। ये अगला है टायर प्रोटेक्शन सिस्टम, टायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो आपका जो प्लेटिनियम है, ये क्या है नहीं पता, प्रोटेक्शन सिस्टम पता नहीं क्या है, तो प्लेटिनियम हो या फिर कुछ अलग जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो, तो ठीक है फिर जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा पूरी तरह से डिटेल जब अपडेट आ जाएगा मेरे पास तो वो वाला वीडियो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर एशियन कैरेक्टर मोड्स जो होंगे, आपको पता ही है एशियन कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, एकदम येलो फेस होता है और नॉर्मल छोटे छोटे, तो
वैसा एशियन नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे और इमोट्स जो है, जैसे कि पीसी में भी था और चाइनीज वर्जन में भी था, वो इमोट्स भी अब जुड़ जाएंगे। पर बीटा में मैंने सिर्फ दो ही इमोट्स देखे, तो क्या पता इसमें और ज़्यादा हो, पता नहीं अब। और दूसरा चीज़ है जो कि आप दो सोशल नेटवर्क को मतलब लिंक कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप फेसबुक से लिंक कर रहे हैं तो आप गूगल से भी लिंक कर सकते हैं एक साथ। ये पहला ऐप मेरे को दिखा जो दो सोशल नेटवर्क को लिंक कर सकते हैं, या फिर पहला गेम है फिर कहीं पे भी मैंने आज तक दो सोशल नेटवर्क को लिंक करने वाला नहीं देखा है। सो आप अगर आपने देखा है तो कमेंट डाउन बिलो। तो ऐड रूम कार्ड ये भी नहीं पता क्या है मुझको। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यू आइटम इन द शॉप, मतलब नए नए आइटम्स मिलेंगे, जैसे कि कपड़े होंगे, गॉगल्स होगा, हैट्स होंगे, या फिर नए नए चीज़ें मिलेंगे। और गिफ्टेड, यू कैन गिफ्टेड, सो आप किसी भी अपने दोस्त का कोई भी अपना कपड़ा या फिर गिफ्ट या फिर हैट या फिर मफलर कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नए चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो मेरे इसमें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो पूरी डिटेल्ड में हर एक चीज़ हम सफ़र करेंगे कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या नया आ गया है। तो बीटा में मैंने ऐसे भी देख लिया, पर बीटा में वो मज़ा किया जब ओरिजिनल में सब पे बग फिक्स हो जाएगा तब देखने में मज़ा है। तो ठीक है भाई गाइज, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सी यू सून।